का खर्च हो रहा था, इनकम नहीं थी, तो सर्कस वालों ने सोचा अब इनको क्या करेंगे। उन्होंने 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया। 15 दिन के बाद पता चला 15 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, क्योंकि वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे, वो अपना पहले भूल गए। दूसरी तरफ कुत्ते भूखे मर के शिकारी बन गए, तो भूख से भी तो मरेंगे, कत्लों के शेर के मार लेते हैं। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज्यादा बड़े बैंक बैलेंस, ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी, ज्यादा बड़ी फैसिलिटी छोड़ के जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस के शेर बना जाते हैं। हम आज फैसला कर ले इस शो के जरिए, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं LCD और दूसरे होते हैं LED। LCD वो लोग हैं जो दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं कि लाइफ क्रिएट डिफिकल्टी। ये वो लोग हैं जिनको हर चीज में बुराई, कुछ ना कुछ कमी नजर आती है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, जिंदगी झट है, सपने सपने ही होते हैं, कभी पूरे नहीं। ये लोग खुद भी डीमोटिवेटेड रहते हैं और दूसरों को भी डीमोटिवेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ना आगे बढ़ना है ना बढ़ने देना है। वही दूसरे जो लोग हैं वो है LED, जो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में खुद को आगे निकालते हैं, ऊपर उठाते हैं। लाइफ इफेक्चुएट ड्रीम, इन लोगों का नजरिया है जो अपने सपनों को हकीकत करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जुबान पे ये लाइन होती है कि अगर मैं सपने देख सकता हूं तो मैं सपने पूरे भी करूं, अगर मैंने सोचा है मुझे ये करना है तो मैं करके रहूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आई है ना, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं फेल हो सकता हूं पर हार नहीं मान सकता। LED लोग हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहे। आप किसी भी सफल इंसान को उठाकर देखो तो आपको नजर आएगा वो LED अप्रोच से चलते हैं। धीरूभाई अंबानी पैरालिसिस होने के बावजूद हार नहीं मानी और आज रिलायंस दुनिया की टॉप कंपनी में से एक है। अमिताभ बच्चन 57 की एज में अपने डूब चुके हुए एक्टिंग के करियर को फिर से रिवाइव करते हैं और 77 की एज में भी एंटरटेन कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम एक छोटे से गाँव से निकलकर पहले देश के टॉप साइंटिस्ट बने और फिर देश के प्रेसिडेंट बनकर देश को आगे बढ़ाया। कर्नल सैंडर्स 65 की एज में यार अपनी चिकन की रेसिपी के 1009 बार फेल होने के बाद 1010वीं बार कोशिश की और KFC दुनिया के टॉप ब्रांड में लेके आए। नजर आ रहा है ना आपको LED। चार्ली चैपलिन 14 साल की एज गरीबी से जूझते हुए और अपनी माँ को पागल खाने भेज दिए जाने के बाद टूटे नहीं और एक्टिंग का काम करना शुरू किया और आज दुनिया के बेहतरीन एक्ट्रेस की लिस्ट उनके नाम के बिना पूरी नहीं होती। छोटी उम्र में ही लाइलाज बीमारी की वजह से हमेशा के लिए व्हील चेयर के हवाले हो गए, लेकिन दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट बने। मैं सलाम करता हूँ इस लेडी को अपने पिता से अपनी बॉक्सिंग के इंटरेस्ट को छुपाते हुए प्रैक्टिस करती रही और अपनी स्टेट की बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और उसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग में इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। JK रॉलिंग अपनी शादी टूट जाने के बाद छोटी सी बच्ची के साथ हार ना मानी और हैरी पॉटर लिखी दुनिया के टॉप और रिचेस्ट ऑथर्स में। ऐसी ढेरों एग्जाम्पल का अगर मैं नाम गिनाता रहूं तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। एक चीज आप कर लो, बस एक चीज कर लो, आज अपनी LCD अप्रोच छोड़ दो, आज LED को पकड़ लो। दो चीजें आपको करनी होगी, पहली खुद पे विश्वास। इंसान सबसे पहली जंग जो जीतता है, सबसे पहली जंग वो अपने अंदर के डर के साथ जीतती है। बस अगर वो जंग जीत ली ना तो रिकॉर्ड टूट जाते हैं और अगर वो डर जीत गया ना तो आप खुद टूट जाते हो और मन के इस डर को हम हराएंगे। खुद पे अगर विश्वास होगा ना तो ये डर हार जाएगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। दूसरी चीज आपको करनी है मेहनत, हार्ड वर्क, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या इन सबने जो मुकाम हासिल किया वो ऐसे ही रातों रात हो गया? बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। स्मार्ट वर्क भी तभी काम करेगा जब उसके साथ हार्ड वर्क होगा। यही दो चीजें आपको LED बनाती है, यही दो चीजें मैं भी कर रहा हूँ। खुद पे पूरा विश्वास, आगे बढ़ता जा रहा हूँ और अपने मिशन के लिए हर रोज मेहनत करता जा रहा हूँ, हार्ड वर्क करता जा रहा हूँ। आप कौन सी कैटेगरी चूज करोगे मुझे बताना, LED या LCD? नहीं, मैं आपको चॉइस नहीं दे रहा, नो चॉइस।
अब तो चॉइस नहीं दी जा रही, आपने एलईडी ही चूज करना है और नीचे कमेंट में लिखना है एलईडी। मेरे से वादा करना है कि आज के बाद हम सब, मेरी यूट्यूब फैमिली एलईडी है, लाइफ इफेक्चुएट्स ड्रीम्स, एलसीडी छोड़ दो, खुश रहो, खुशियां बांट करो। बहाना नहीं रे सर, नौकरी है सर, बीमारी है सर, तकलीफ है सर, कर्जा है सर, वो नहीं हो सकता सर, अभी मेरे मन नहीं है सर, अभी शॉपी पे ध्यान नहीं है सर, को भी कोई मिल नहीं रहा सर, अभी मैं होता नहीं है, अभी मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूँ, ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे लोग अभी प्लान नहीं देख रहे हैं, मेरी कोई सुनता नहीं है। मत बोल, नो एक्सक्यूज, उतर जा मैदान में, निकाल ले बाहुबली की तलवार और उतर जा मैदान में, मत बहाना बना, नहीं तो एक ही चीज बनती है, या तो दौलत या बहाना।